सारी कंपनियां डीएसए पूछती हैं अपने कोडिंग राउंड में, राइट? सो डीएसए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है इन सारी कंपनीज के लिए। नेक्स्ट कंपनी की एप्पल की बात करें तो एप्पल का भी सेम रहता है 33 to 35 lakhs पर एनम। एंड उसके बाद आती है गूगल, तो गूगल का तो ये गाइस 40 lakhs पर एनम के आसपास है, एंड इसका जो बेस सैलरी रहता है वो 15 to 18 lakhs पर एनम रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो ऑन कंपनीज हायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन इंडिया बाय कोडिंग निंजास। माई सेल्फ विशेष एंड आई विल बी टेकिंग यू थ्रू दिस वीडियो। सो गाइस, ये बहुत ऑसम वीडियो होने वाली है, इसी में डिफरेंट कंपनीज बताऊंगा जो इंडिया में हायर करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, एंड हम उनकी सैलरी भी देखेंगे क्या रहती है, CTC क्या रहता है, राइट? सो पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर होगा हर कंपनी का, राइट? सो हम देखेंगे उसकी सैलरी वगैरह। एंड इफ़ यू गाइस लाइक आर कंटेंट ऑन YouTube, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अवर कोडिंग निंजास चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज, राइट? सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट, राइट? सो हम पहली कंपनी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहली कंपनी है टावर रिसर्च कैपिटल, राइट? सो ये काफ़ी फेमस कंपनी है, ये अच्छा खासा पैकेज भी देती है, ये काफ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर करती है इंडिया में, राइट? सो मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं तुम्हें देख देख के बताऊंगा, राइट? सो टावर रिसर्च का जो पैकेज रहता है वो 38 to 51 lakhs पर एनम रहता है CTC, एंड ये इसका जो बेस सैलरी रहती है ना, इन हैंड सैलरी, वो 25 to 30 lakhs रहती है। सो गाइस, जो ये मैंने डाटा निकाला है ये एवरेज डाटा है, क्योंकि टॉप IITs में इससे 6-7 lakh ज़्यादा भी हो सकता है, एंड Tier 3 में ये 6-7 lakh कम भी हो सकता है, तो ये एवरेज है, राइट? सो ये बीच वाला आंकड़ा है, राइट? सो ये टावर रिसर्च का ये टावर रिसर्च के बेसिकली स्टैट्स हैं, राइट? सो ये टावर रिसर्च का मैंने बता दिया, ठीक है? उसके बाद आती है एटलांशियन। तो एटलांशियन का गाइस CTC तो 50 lakhs रहता है, लेकिन बेस इसका 13-14 lakhs के अराउंड ही रहता है। सो ये भी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करती है इंडिया में, राइट? सो गाइस, इन सारी कंपनी के बारे में जो भी मैं बताऊंगा, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करती है इवन फॉर फ्रेशर्स लेवल एज वेल, राइट? एंड उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये सारी कंपनियां DSA पूछती हैं अपने कोडिंग राउंड में, राइट? सो DSA मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है इन सारी कंपनीज के लिए। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, देन देयर आर अमेजिंग कोर्सेज अवेलेबल ऑन कोडिंग निंजास वेबसाइट। दे आर अवेलेबल इन C++, जावा, Python, right? And if you do this course, then you will be learning DSA in a structured way and as well as in very depth, right? So make sure you click on the link in the description below to explore the course, right? So do check out our website for such courses in DSA, right? Now हम next company पे move करते हैं, तो वो है Microsoft, right? So Microsoft का package around 44 lakhs रहता है, right? And इसका भी base I think 15-16 के पास रहता है। ये जो stocks options होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा देती है Microsoft, right? Then उसके बाद आती है Salesforce। तो गाइस, सेल्स फोर्स का 35 to 36 रहता है, आई थिंक ये अभी बढ़ गया है, 40 के आसपास हो गया, ठीक है? 40 lakhs पर एनम, ये सभी जो डाटा बता रहा हूँ ये लैक्स पर एनम है, ठीक है? एंड उसके बाद आती है गूगल, तो गूगल का तो ये गाइस 40 lakhs पर एनम के आसपास है, एंड इसका जो बेस सैलरी रहता है वो 15 to 18 lakhs पर एनम रहता है। इसके भी स्टॉक्स ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं गूगल के भी। एंड देन उसके बाद, यार देखो, इसमें कुछ कंपनीज हैं जो कई कैंपस में ही विजिट करती हैं, ज़रूरी नहीं हर कॉलेज में विजिट करती हैं, तो जो इनका पैकेज है ये कैंपस टू कैंपस विजिट वेरी भी कर जाता है, राइट? सो कैंपस टू कैंपस इनका जो पैकेज है वो वेरी करता है। एंड कुछ कंपनीज, क्योंकि सम कैंपस में जाती हैं क्योंकि उनकी चॉइस है, तो वो उन कैंपसिस में थोड़ा ज़्यादा भी पे करती हैं, राइट? सो अभी नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, स्प्रिंकलर की। तो गाइस, स्प्रिंकलर का बेस पैकेज काफ़ी फेमस है, इसका बेस इन हैंड काफ़ी ज़्यादा है, राइट? सो 30 lakhs पर एनम ये इसकी इन हैंड सैलरी है, एंड टोटल ये 35 to 40 lakhs देती है CTC पर एनम, राइट? देन ऊबर की बात करते हैं, तो ऊबर का गाइस 40 lakhs के आसपास है CTC, राइट? सो नेक्स्ट कंपनी की एप्पल की बात करें, तो एप्पल का भी सेम रहता है 33 to 35 lakhs पर एनम। एंड उसके बाद डी शो, राइट? ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है तुम्हारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, एंड ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इंडिया में हायर करती है, राइट? सो इसका जो पैकेज रहता है वो 31 to 32 lakhs रहता है, राइट? CTC, पूरा CTC बता रहा हूँ। और उसके बाद आती है कोऑर्डिनेशन, अभी इसका नाम ट्रायोलॉजी कुछ इनोवेशन ऐसा रख दिया गया है, ठीक है? ये भी काफ़ी फेमस है,
अपने कोडिंग टेस्ट के लिए। इसका डिफिकल्ट कोडिंग टेस्ट होता है एंड ये तुम्हारी ब्रांच नहीं देखती, ये तुम्हारे जीपीए नहीं देखती, तुमने इसके कोडिंग टेस्ट में और उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा कर दिया तो ये तुम्हें ले लेती है। एंड ये काफ़ी फेमस है डिफिकल्ट कोडिंग टेस्ट के लिए। एंड इसका जो इन हैंड होता है वो भी आई थिंक 30 के आसपास रहता है, राइट, 30 लैक्स पर एनम कोऑर्डिनेशन का। एंड उसके बाद बात करें तो media.net है, राइट, सो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को 30 लैक्स पर एनम देती है CTC, लेकिन एक होता है साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स, तो ये डिफरेंट प्रोफाइल है लेकिन इसी से रिलेटेड है, तो इसके लिए थोड़ा पैकेज इनका कम रहता है, सो वो बेसिकली 15-16 लैक्स पर एनम के आसपास रहता है, राइट। सो जो भी कंपनीज है मैंने बताया, जैसे ये डाटा है ना, ये एवरेज है एंड इट इज़ अबाउट 2021 डाटा, राइट। सो हम नेक्स्ट कंपनीज कुछ देखते हैं, जैसे अभी फ्लिपकार्ट है, तो गाइस फ्लिपकार्ट का पहले 28 लैक्स पर एनम था, फिर इन्होंने घटा के 26.5 कर दिया एंड देन अभी फिर से बढ़ चुके हैं 2022 में, ये लेटेस्ट इनका भी है 32.5 लैक्स पर एनम फ्लिपकार्ट का, राइट। सो उसके बाद आती है कुछ स्टार्टअप्स जैसे Cure.fit, राइट, सो इनका 27 लैक्स है, Intuit का 26-29 लैक्स पर एनम है, राइट। ये सारी कंपनीज तुम नोट कर सकते हो, इन सभी में तुम अप्लाई कर सकते हो, राइट, तुम्हें पता तो होना चाहिए ना ये कंपनीज हायर करती हैं, तो तुम उन इन सारी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो LinkedIn से रेफरल मांग के या फिर डायरेक्टली किसी भी रिक्रूटर को रीच करके, राइट, या फिर इनके रिलेटेड हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करके तुम इनको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद Amazon की बात करें तो Amazon का 30 लैक्स पर एनम के आसपास रहता है, राइट, जो इसका CTC है। मॉर्गन स्टैनले का गाइस 25 लैक्स के आसपास रहता है, मॉर्गन स्टैनले का CTC, राइट, एंड मिंत्रा का 24 लैक्स CTC रहता है। गोल्डमैन सैक्स तो यार फेमस है कि IITs में ज़्यादा देती है एंड थोड़े लोअर लेवल कॉलेजेस में ये कम कर देती है, तो इसका देखो जो IITs में रहता है ना वो 31-32 रहता है लैक्स पर एनम, बट ये थोड़ा कॉलेज का लेवल डाउन होने से ये 22-23-21 यहाँ पे आ जाते लैक्स पर एनम, राइट, ये गोल्डमैन सैक्स है। एंड उसके बाद एडोबी की बात करें तो एडोबी का 23-24 लैक्स पर एनम रहता है, राइट। सो अर्बन कंपनी है कंपनी, उसका भी 22-23 लैक्स एनम पर एन, राइट, लैक्स पर एनम के आसपास रहता है। सो गाइज ये सारी कंपनीज हैं जिनमें तुम अप्लाई कर सकते हो, ये काफ़ी अमेजिंग कंपनीज है, राइट, जो मैंने कंपनीज मेंशन करी इनसे बेटर तुम्हें शायद ही इंडिया में कुछ मिले, राइट, HFTs को छोड़ के, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज उनको छोड़ के, राइट, ये बेस्ट कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करती हैं। इनमें बेसिकली जॉब लेना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है एक दो को छोड़ के, राइट, क्योंकि ये DSSC स्टार्ट करती हैं, DSSC ही पूछती हैं फ्रेशर्स लेवल पर, तो वो तुम यदि एक बार मास्टर कर लो तो तुम अच्छे से इन कंपनीज में जॉब ले सकते हो, राइट, एंड इनके CTC भी काफ़ी अमेजिंग है एंड कईयों की तो इन हैंड ही काफ़ी ज़्यादा है, राइट। सो उसके बाद बात करें तो आई थिंक बाय हटके ये भी 19-20 लैक्स पर एनम देती है। वॉलमार्ट लैब्स है, ये 27-28 लैक्स पर एनम देती है इन IITs एंड इट इज़ अराउंड 22-23 इन सम लो लेवल कॉलेजेस, राइट। सो उसके बाद है मेक माई ट्रिप, राइट, सो मेक माई ट्रिप 18-20 लैक्स देती है, राइट, सो ये तुम नोट कर सकते हो एंड उसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, राइट, काफ़ी अमेजिंग कंपनीज है गाइस। देन उसके बाद सैमसंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसमें भी ये भी आई थिंक थोड़ा डिसाइड करती है IITs एंड दूसरे कॉलेजेस के हिसाब से CTC, राइट, सो ये अराउंड 18-20 लैक्स रहते हैं, राइट। एंड उसके बाद है नवीडिया है, राइट, तो ये इसका 16-17 लैक्स पर एनम रहता है। वीज़ा भी हायर करती है 15-16 लैक्स पर एनम, राइट। सो ये सारी कंपनीज हैं जिसमें तुम अप्लाई कर सकते हो थ्रू LinkedIn या फिर हैकाथॉन्स देके, राइट, इनके। सो आई होप तुम्हें इन कंपनीज के बारे में पता चला है एंड इनकी सैलरी के बारे में पता चला है एंड तुम अकॉर्डिंगली अप्लाई कर पाओगे कि तुम्हारे लिए कौन सी बेस्ट है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक्ड इट। सो फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट स्टे सब्सक्राइब टू अकॉर्डिंग निंजास चैनल, राइट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।